तो आज हम करेंगे सर डेट एंड टाइम फॉर्मूला। अब डेट टाइम के फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेट हम टुडे डालते हैं करंट डेट के लिए। पहला फॉर्मूला है टुडे, जिससे करंट डेट आती है, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला है नाउ, जिससे डेट और टाइम दोनों आता है, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, उसके नीचे ही पेस्ट एज वैल्यूज कर देता हूँ। तो ऊपर डेट फॉर्मेट में थे, अब ये जनरल फॉर्मेट में हो गए, ठीक है जी। वैल्यूज मैंने जनरल फॉर्मेट में ला दी। तो इसमें देखेंगे कि जो डेट का था, जो टुडे का फॉर्मूला था, वो नंबर्स में आया है, और जो नाउ का था डेट एंड टाइम, उसमें नंबर्स विद डेसिमल नंबर्स आया। तो देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ डॉट के बाद कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी आगे की फिगर सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर्स जो होते हैं, इनको एक्सेल इंजन अपने आप में प्रोसेस करके डेट में डिकोड करता है, ठीक है जी। और डेसिमल के बाद की वैल्यूज जो है वो एज ए टाइम शो होती है, ठीक है जी। अगर मैं ग्रेटर में से, मान लीजिए नाउ है, ग्रेटर में से लेसर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास खाली डेसिमल वैल्यूज बचेंगी। तो अगर डेसिमल वैल्यूज को मैं फॉर्मेट जाके इसका चेंज कर देता हूं और टाइम फॉर्मेट कर देता हूं, तो ये मुझे वो टाइम दे देगा, करंट टाइम। तो मतलब अगर आपको कभी करंट टाइम चाहिए, जो कि फॉर्मूला से आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, नाउ का फॉर्मूला और माइनस टुडे, इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे तो ये करंट टाइम आपको देगा। इसको बस टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट 2 से टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट 3 से डेट फॉर्मेट में, ठीक है जी। बाकी इसका शॉर्टकट क्या है, टुडे के लिए, करंट डेट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल सेमी कॉलन, और करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। ये खाली वैल्यू इंसर्ट करता है, फॉर्मूला में, ठीक है जी। तो डेट का तो आप समझ ही गए होंगे कि डिजिट से, डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है वो डेट प्रोसेस करती है, और डिजिट डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो टाइम प्रोसेस करती है। तो अब देखिए कि हमारे पास एक डेट है, आज की डेट ही ले लेते हैं, चाह रहा हूं। तो इसमें से मान लीजिए आपको डे अलग करना है, मंथ अलग करना है, और ईयर अलग करना है। तो इसके लिए आपके पास डे का फॉर्मूला है, डे का फॉर्मूला जो आपको डे अलग निकाल के दे देगा। मंथ का फॉर्मूला है, जो आपको डेट में से मंथ निकाल के अलग दे देगा। और ईयर का फॉर्मूला है, जो आपको डेट में से ईयर अलग निकाल के दे देगा, ठीक है। वापस इनको कंबाइंड करना है, मान लीजिए डे, मंथ और ईयर आपके पास ऐसे अलग अलग पड़ा हुआ है, तो कंबाइंड करने के लिए आप डेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें पहली एंट्री मांगता है ईयर। यहां से मैंने ईयर दे दिया, यहां से मैंने मंथ दे दिया, और यहां से डे दे दिया कॉमा के बाद, ठीक है जी। एंटर करूंगा, वही डेट आ गई, ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं, मेरा क्वेश्चन है आगे कि इसको क्या करना है, मुझे डेज जोड़ने हैं। तो यहां देख रहे हैं आपके पास सिंपल सिंपल नंबर है, तो इसमें डायरेक्टली आप प्लस तो कर ही सकते हैं, किसी नंबर में एज ए नंबर कर रहा है, तो इसको डेट फॉर्मेट में करेंगे तो 2 दिन आगे की डेट दिखा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से किया जा सकता है, डायरेक्ट एंट्री आप अगर यहाँ पे 2 दिन जोड़ने हैं तो डायरेक्ट इसमें प्लस कर सकते हैं, इक्वल टू करके प्लस कर दिया, ठीक है जी, डेट आ गई। पर मान लीजिए इसमें मंथ जोड़ने हैं, मंथ जोड़ने हैं और 3 महीने जोड़ने हैं मैंने, ठीक है जी। तो 3 महीने जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ूंगा, अब मंथ में किसी, कोई 31 का होता है, कोई वैसा होता है, तो डेज से तो बात बनेगी नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, ई डेट। ई डेट
के फॉर्मूले के थ्रू आप मंथ जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, कोई भी डेट ले लेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाली डेट ले ली 4 नवंबर, और मंथ कितने जोड़ने हैं वो आपकी सेकेंड एंट्री है। तो मैंने कहा 3 महीने जोड़, ठीक है जी। इसको डेट फॉर्मेट में कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट 3, तो नवंबर में 3 महीने जोड़ के ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है जी। 4 नवंबर का 4 फरवरी आ गया। अब मान लीजिए मुझे ईयर जोड़ने, 2 साल जोड़ने ऊपर वाली डेट में, इसी में जोड़ रहा हूं मैं। अब 2 साल कैसे जोड़ेंगे, एक तो आप यूज कर सकते हैं ई डेट को, यहां ले लेंगे, और जो ईयर होता है हमें पता है 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये भी आपका सही रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा मान लीजिए यही आपको करना है, 2 साल 3 महीने, नहीं 2 दिन 3 महीने और 2 साल जोड़ने, तो एक तरीका ये भी है कि आप डेट का फॉर्मूला लगाएं किसी डेट पे, जैसे ये डेट है, तो इसमें से मैं ईयर में से ईयर निकाल के पास कर दूंगा इसको, ठीक है जी। ईयर का फॉर्मूला लगा के ईयर पास कर दिया, और ये जो ईयर आया इसमें, इसमें प्लस कर दिया मैंने यहां 2, ठीक है जी। ईयर की एंट्री अब कंप्लीट हुई मेरी। अब मंथ की है, तो मंथ करंट डेट में से मंथ निकालूंगा मैं, और उसमें प्लस कर दूंगा ये मंथ, ठीक है जी। इसी तरह से मैं इसी डेट में से डे निकालूंगा और प्लस कर दूंगा ये डे, ठीक है जी। तो आपकी वही डेट आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से आप डेट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि किसी डेट की, किसी मंथ की एंड वाली डेट क्या है। कई बार ऐसे फॉर्मूले आपको बनाने पड़ सकते हैं, जैसे हमने कैलेंडर में एक का फॉर्मेट था, उसमें बताया था कि मतलब 28 तक आए, 31 तक आए, और फॉर्मेट पे कंडीशन सेट करी थी, तो उसके लिए मुझे लास्ट डेट नोन होना जरूरी थी। तो लास्ट डेट निकालने के लिए हमारे पास मंथ का होता है फॉर्मूला ईओ मंथ, इसका मतलब होता है एंड ऑफ मंथ, ठीक है जी। ये डेट दे दी मैंने, और इसके बाद हम 0 लगाते हैं, स्टार्ट डेट कॉमा, और मंथ मांगता है हमसे, यहां 0 देंगे, 0 देंगे तो करंट मंथ की दिखाएगा आपको एंडिंग डेट, ठीक है जी। 1 दे देंगे तो यहां उसके अगले महीने की दिखाएगा, 2 दे देंगे तो उससे अगले से अगले महीने की दिखाएगा। तो इसी तरह से आप उतने मंथ दे सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं आगे तक, एंड ऑफ मंथ। अब मान लीजिए क्या हो रहा है कि आपके पास क्या है कि आपको पता करने हैं कि इसमें 2 डेट है हमारे पास, बीच में वर्किंग डे कितने थे। तो वर्किंग डे जानने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट वर्क डेज, नेट वर्क डेज। इसमें हम स्टार्ट डेट देते हैं कॉमा, एंड डेट देते हैं, और कोई हॉलीडे है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऑप्शनल है, तो फिलहाल अभी नहीं दे रहा हूं। फिलहाल ये बता रहा है कि 85 डेज है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे छुट्टी दे दिया, ठीक है जी, कि एक छुट्टी भी है उसमें बीच में, कोई सरकारी छुट्टी है तो सैटरडे संडे से अलग है। तो नेटवर्क डेज में मैं स्टार्ट डेट, एंड डेट के साथ ये छुट्टी वाली लिस्ट भी सिलेक्ट करके इस तरह से दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो बचे हुए दिन बता रहा है, मान लीजिए बीच में एक और छुट्टी पड़ गई 5 अप्रैल, अच्छा 5 को संडे होगा इसलिए दिखा रहा है, तो मैं 7 अप्रैल कर दूँ, ठीक है जी। 83 आ गया। तो ये वर्किंग डे आपको निकाल के देता है। इसी तरह से किसी आप सरकारी ऑफिस में गए किसी तारीख को, उसने कहा कि 30 वर्किंग डेज के बाद आ जाना, सैटरडे संडे और सरकारी छुट्टी स्किप करके, कि इसमें 30 वर्किंग डे का टाइम लगेगा। तो
तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है इस तरह की कैलकुलेशन का, वर्क डे होता है, ठीक है जी, वो था नेट वर्क डे, दो डेट के बीच में वर्किंग डे पता लगाने के लिए, और वर्क डे किसी डेट से इतने दिन बाद, इतने वर्किंग डे बाद कौन सा दिन पड़ेगा उसके लिए वर्क डे होता है। तो स्टार्ट डे देंगे और क्या देते हैं, डेज, कितने वर्किंग डेज, ठीक है जी। फिर इसमें भी हॉलीडे लिस्ट चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसने बताया कि ये आपका पड़ेगा 12 जून पड़ेगा, ठीक है जी, ये निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए आपने सरकारी फॉर्म भरे हैं, का कई बार भरे होंगे, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है जी। उसके बाद उसमें ऐसा लिखा था कि 1 अगस्त 2014 तक आप मतलब 26 साल के होने चाहिए, ठीक है जी, कि इतने को एज आपकी कंप्लीट होती है। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है डेटेड इफ का फॉर्मूला, डेटेड इफ। तो डेटेड इफ में कुछ फॉर्मेट रखते हैं, डेटेड इफ आपको का नॉर्मल फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए कोई हेल्प ऑप्शन आपको देता नहीं है, पर लगा देंगे तो चल जरूर जाएगा। इसमें देते हैं हम स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है जी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में कुछ फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। अगर मैं यहां पे डी दूं तो ये मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज बता देगा दोनों डेट के बिटवीन के, 10,180 दिन। इसी तरह अगर डेटेड इफ में मैं स्टार्ट डेट, एंड डेट और यहां पे एम दे दू इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये मुझे टोटल मंथ बता देगा कि 334 मंथ हुए टोटल। ईयर निकालने के लिए भी सेम है, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट और यहां वाई दे देंगे, तो ये बता देगा कि 27 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है जी, किसी डेट तक में। अब मुझे ये निकालना है कितने दिन का हो गया, कितने महीने का हो गया, कितने ईयर का हो गया, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए डेट के लिए तो वही फॉर्मूला रहेगा, ईयर के लिए तो वही फॉर्मूला लगेगा, हमें निकालने हैं ईयर के बाद कितने महीने हुए। तो ईयर के बाद के महीने जानने के लिए हमारे पास इस फॉर्मेट में हल्का सा चेंज है, स्टार्ट डेट, एंड डेट करते हैं और यहां पे दे देते हैं वाई एम, इसका मतलब होता है ईयर आफ्टर मंथ, ईयर के बाद वाले मंथ, बताया 10 महीने हुए हैं इस तारीख तक, ठीक है जी। इसी तरह से आपको डेट चाहिए, डेज चाहिए, पर क्या चाहिए, कोई मंथ कंप्लीट होने के बाद कितने दिन दिन है, तो उसके लिए बन जाएगा सीधा सा सिंपल एम डी, मंथ आफ्टर डेज, ठीक है जी, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट और एम डी। तो 15 दिन 10 महीने और 27 साल की उम्र हुई, ठीक है जी, इसको फिक्स कर लेता हूं ताकि नीचे लाया जा सके, ठीक है जी। पर मान लीजिए आपको क्या चाहिए कि ईयर तो होगा, इसी तरह से हमारे पास होता है एक वाई डी, वाई डी क्या होता है, ईयर आफ्टर डेट, मतलब 27 साल पूरे हो गए और उसके बाद कितने दिन हुए, मंथ आफ्टर डेज नहीं, साल के बाद कितने दिन हो गए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता, फॉर्मेट होता है वाई डी, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट और वाई डी डाल देते हैं, 131 दिन, 27 साल 131 दिन, ठीक है जी। तो डेटेड इफ का ये पैटर्न है, ये मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि कौन क्या डालने से क्या आएगा, फॉर्मूला है हमारा डेटेड, ठीक है जी। इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में मिल जाएगा आपको। आपको और भी चीज बता रहा हूं, जैसे फॉर्मूले अगर आपने जानने हैं कभी, तो एक रेफरेंस की साइट है आपके लिए,
पहली चीज तो मैंने बताई थी कि फॉर्मूले पे आप यहाँ एफएक्स पे क्लिक करेंगे, कहीं फॉर्मूला लगा है तो ये आपको थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन तो बता ही देगा क्या करता है। ठीक है जी, यहाँ ना मिले तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे चले जाइए। ठीक है जी, हेल्प ऑन दिस फंक्शन में अभी ये स्पेशल फॉर्मूला है तो आ नहीं रहा है, वैसे आता है आपका। यहाँ भी ना मिले ना समझ आए तो आप गूगल पे जाके टेक ऑन टू नेक्स्ट पे चले जाइए। टेक ऑन दी नेट करेंगे, ये साइट है एक्सेल का, इसमें अलग से पूरा फॉर्मूले के ऊपर अच्छा खासा दिया हुआ है, एक्सेल सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास एक्सेल फंक्शंस है, डब्ल्यू एस मतलब वर्कशीट, आपके विंडो वाले फंक्शन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए या कैटेगरी वाइज चाहिए? कैटेगरी वाइज में देखेंगे तो आपको जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में होंगे। टेक्स्ट के स्ट्रिंग फंक्शन, मैथमेटिक के अलग सारे के सारे फॉर्मूले, स्टैटिकल अलग, लॉजिकल अलग, इंफॉर्मेशन अलग, डेट टाइम। डेट टाइम में हम कर रहे थे डेट डिफ, डेट डिफ पे मैंने क्लिक किया तो इसका ये आपको बता देगा कि कैसे कैसे और क्या करना है, इंटरवल क्या क्या है वो ये लिखेंगे। ठीक है जी, कहाँ कैसे इन्होंने अप्लाई किया और उसका रिजल्ट क्या क्या आया। ठीक है जी, तो ये आपके लिए अच्छी खासी हेल्प हो जाता है, इसमें आप फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था सारा डेट के बारे में। एक और चीज, किसी डेट को आपको पता करना है कौन सा दिन था, जैसे आज की डेट डाली मैंने, एक हमारे पास होता है वीक डे, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा हफ्ते का कौन सा दिन है वो बताएगा आपको, हफ्ते का तीसरा दिन। देखिए कैलेंडर जो होता है संडे से स्टार्ट होता है, तो संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है जी, आप चाहते हैं नहीं मुझे मंडे से रिजल्ट चाहिए तो इसके आगे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शनल वैल्यू है रिटर्न टाइप, तो वन दे देंगे तो वैसा चलेगा जैसा अभी चल रहा था, यानी संडे के लिए एक, सैटरडे के लिए सात। ठीक है जी, टू दे देंगे तो इसमें क्या देगा, मंडे के लिए एक दे देगा और संडे के लिए सात दे देगा, तो दो दे दिया मंडे ट्यूसडे। ठीक है जी, इसके बाद अगर इसमें तीन देते हैं तो ये क्या करेगा, एक से सात नहीं करेगा, जीरो से छह लेगा, मतलब संडे के लिए जीरो काउंट करेगा, मंडे के लिए जीरो काउंट किया है, जीरो से लेकर छह तक। ठीक है जी, तो तीन तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, टेक ऑन दी नेट पे जाके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है जी, वीक डे का फंक्शन। एक होता है वीक नम, कि कौन सा हफ्ता चल रहा है, साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है, वीक नम, वीक नंबर। अगर मैंने कोई डेट सिलेक्ट की तो कौन से नंबर के हफ्ते के अंदर 45वां हफ्ता चल रहा है साल का। और इसमें एक सवाल आता है कि अगर मुझे सेकंड सैटरडे जानना हो तो कैसे जानूंगा, किसी डेट में मतलब किसी तारीख में किसी डेटा में मुझे सेकंड सैटरडे आइडेंटिफाई करना तो कैसे करूंगा, तो ये टास्क मैं आपको देता हूं। ठीक है जी, वो आप ढूंढ के बताएंगे कि कैसे करता है, नेट पे आपको मिलेगा, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करनी। ठीक है जी, ना समझ आए तो कल मैं इस चीज को रिपीट करूंगा। सर क्या करना, क्या है सर, एक दफा रिपीट कर। आपको ये फॉर्मूला ढूंढना है जो कि सेकेंड सैटरडे हमें किसी डेटा में से निकाल के दे दे। मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई डेट डाल रखी है मैंने, ठीक है जी, और यहाँ मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डेट है मुझे ये करना है, जैसे जनवरी चल रहा है तो इसमें सेकंड सैटरडे कौन सी डेट को पड़ेगा, एक फॉर्मूला यहाँ लगाना है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको ढूंढना है कैसे निकालेंगे किसी महीने का सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे या थर्ड सैटरडे। ठीक है जी, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, खाली सैटरडे नहीं, हम हफ्ते का कोई भी दिन कर सकते हैं। थर्ड मंडे कब है, सेकंड मंडे कब है,
तो इसका ये क्वेरी मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं। हालांकि मेरी उम्मीदें कम है कि इसको सॉल्व कर पाएंगे, पर फिर भी देता हूँ। ठीक है जी। हाँ, जितने फॉर्मूले मैंने बताए इन सब से हो सकता है, इन सब में से वो फॉर्मूले हैं जिनसे ये काम हो सकता है। और ये देखना है कि आपका लॉजिक क्या बोलता है इसमें। ठीक है जी। डेट के मैंने सारे फॉर्मूले बताए, डेट का एक फॉर्मूला रह गया। जैसे कि हम टेक्स्ट में कभी डेट आ जाती है हमारे पास, तो टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करते। एक तो हमने डेट से किया, एक होता है टेक्स्ट से कर दिया हमने। ठीक है जी। मान लीजिए यहां पे मैं डेट वैल्यू नाम का एक फॉर्मूला, इसमें आपकी डेट जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर होगी, यानी इन्वर्टेड कोमा में कोई भी आप डेट डालेंगे तो उसको ये एक्चुअल डेट में आपको दे देगा। ठीक है जी। टेक्स्ट का बेनिफिट क्या है कि आप किसी स्ट्रिंग को लेकर, मतलब वैल्यू को कंकेटिनेट करके डेट बना सकते हैं। ठीक है जी। डेट वैल्यू कंकेटिनेट करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये है 4, और मान लीजिए यहां मंथ वैसे पड़ा है, सितंबर में पड़ा है या नवंबर में पड़ा है, वैसे लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है जी। क्योंकि स्लैश वाले फॉर्मेट में जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, मंथ अंदर आ जाता है उसमें। स्लैश वाले फॉर्मेट में डे अंदर आ जाता है, मंथ बाहर हो जाता है। तो डेट वैल्यू मैं वैसे कर देता हूँ। डेट वैल्यू मैंने कुछ इस तरह से दिया कि यहां से डे उठा लिया। डे उठा लिया, कंकेटिनेट किया इनवर्टेड कॉमास में, डैश एंटर कर दिया और यहाँ पे नवंबर हाथ से लिख दिया, डैश ये, फिर कंकेटिनेट किया और ये यहाँ से उठा लिया। तो इसने इसको भी डेट ही बना दिया है। ठीक है जी। यानी कि इसमें मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है जी, कैलकुलेशन कर सकता हूँ। डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू भी ऐसा ही है। ठीक है जी। अब टाइम के ऊपर चलते हैं, टाइम को देखते हैं क्या कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या चलेगा इसमें। तो सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन पे देखते हैं कि नॉर्मल टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पेशलाइज करने से पहले मान लीजिए ये करंट टाइम आ रहा है। ठीक है जी। 10:32, इसको सेकेंड्स वाले फॉर्मेट में कर लेते हैं ताकि ज्यादा अंडरस्टूड हो। ठीक है जी। अब मान लीजिए इसमें मुझे क्या करना है, एक घंटा जोड़ना। ठीक है जी। अब एक घंटा तो मैं ऐसे करके तो जोड़ नहीं सकता डायरेक्ट। क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि इसको जनरल फॉर्मेट में देखूंगा तो ये 0.93 समथिंग है। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 1.93 समथिंग हो जाएगा। मतलब एक डेट आगे बढ़ जाएगी पर एक घंटा नहीं जुड़ेगा। ठीक है जी। सिंपल सा फंडा क्या है, जब एक होता है तो उसका मतलब होता है 24 घंटे। ठीक है जी। तो अगर मुझे जोड़ना भी है तो मैं क्या करूंगा, जे किया प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो एक घंटा है इसको डिवाइड कर लूंगा 24 से। ठीक है जी। जो वैल्यू है अब इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। जुड़ के आ गया। ठीक है जी। सेकेंड वाला फॉर्मेट ले लेता, जुड़ के आ गया सेम, एक घंटा ही बढ़ा। मान लीजिए इसमें मुझे 2 मिनट और जोड़ने हैं इसमें, तो मिनट कैसे जोड़ूंगा मैं? यहां से वैल्यू उठाई मैंने, प्लस किया, इधर से वैल्यू कैसे करूंगा, जे डिवाइडेड बाय, अब 24 से तो होगी होगी कि वो घंटे में होगा, तो इसके साथ में मुझे 24 x 60 करना होगा। ठीक है जी।
इससे डिवाइड करना होगा। समझ आया ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये घंटे में 60 मिनट होते हैं और तो 24 घंटे हैं और 60 मिनट उनको मल्टीप्लाई किया तो टोटल मिनट में से ये मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर। और मैं अप्लाई करता हूँ इसमें, देखते हैं 2 मिनट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। तो 11:34 से वो हो गया, मतलब 11:32 से 11:34 हो गया। मान लीजिए इसमें अब 5 सेकेंड और जोड़ दें, अब क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, वैसा ही अप्लाई होगा कि ये होगा डिवाइडेड बाय अपना 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है जी, इससे होगा डिवाइड, टोटल सेकंड में कन्वर्जन एंड डिवाइड। अब इसको सेम फॉर्मेट में करता हूँ, देखता हूँ सेकंड जुड़ा है नहीं जुड़ा, तो 5 सेकंड भी जुड़ गए, ठीक है जी। तो ये तो रहा कि बगैर फॉर्मूले के आप कैसे एक सिंपल से लॉजिक से, अगर आप टाइम की फॉर्मेशन जानते हैं तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलिए फॉर्मूले इससे देखते हैं, यहाँ पे कोई टाइम पड़ा है, आवर निकालने के लिए इसमें आर का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है जी, आवर अलो है। मिनट निकालने के लिए आपके पास मिनट का फॉर्मूला है, सेकंड निकालने के लिए आपके पास सेकंड का फॉर्मूला, वापिस ज्वाइंट करने के लिए आपके पास टाइम का फॉर्मूला है। इसमें लेता है आवर, मिनट और सेकंड, ठीक है जी, ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है? 2 घंटे 3 मिनट 15 सेकंड, ये जोड़ना है। अब कैसे करूंगा? टाइम, अब आवर में जोड़ना है, यहां से आवर ले लिया मैंने, उसी फॉर्मूले से निकला था, प्लस में ये 2 यहां दे दिया, फिर मिनट यहां ले लिया, मिनट जो निकले थे फॉर्मूले से, फिर ये एक्स्ट्रा जितने जोड़ लो, फिर क्या करूंगा? सेकंड जितने थे और प्लस ये सेकंड, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसका फॉर्मेट मैं सेकंड वाला कर देता हूं, ये तो अब ये क्लियर है, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन करते हैं कि मान लीजिए इन टाइम और आउट टाइम निकालना है हमें, एक ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, ओवर टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, कुछ एम्प्लॉयज थे जिनका इन आउट टाइम ये था, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, वो किसी भी समय आ सकते हैं किसी भी समय जा सकते हैं। मैंने क्या निकालना है कि 8 घंटे के बाद जितने घंटे काम हुआ है हर एक को 50 रुपए घंटा करके दिहाड़ी करके जोड़ दो। तो पहला फॉर्मूला क्या निकाला मैंने, मैंने कहा यहां से आवर निकाला ग्रेटर वाले का और इसको लेसर वाले में के आवर में से माइनस कर दिया, सीधा सीधा। तो डायरेक्ट माइनस तो मैं कर नहीं सकता, डायरेक्ट माइनस करूंगा फिर डेसिमल में वैल्यूज कंफ्यूजन, ठीक है जी। 13 घंटे आया, 13 घंटे 15 घंटे 9 घंटे 7 घंटे, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया कि इफ अगर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है तो यहां पे जो रिजल्ट दिखाए वो दिखाए जे माइनस 8, ठीक है जी, अदरवाइज क्या दिखाए? 0 दिखाया हमेशा। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो इसमें मेरे को क्या मिल गई? एक्स्ट्रा घंटे मिल गए काम किए हुए। अब ये 8 के बराबर नहीं था, उससे छोटा था तो 0 आ गया, 8 होता तो 8 माइनस 8 तब भी 0 आता, तो ये हमें बीच की कैलकुलेशन में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना था, इसको कंबाइंड करना था,
कमाइंड करने के लिए मैंने नीचे ही दे दिया। अब देखते हैं कमाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ एक ही सेल में कैलकुलेट हो। ठीक है जी, तो मुझे इनके लिंक यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो मैं देख रहा हूँ D48 ये जो है यहाँ पे दो बार यूज हुआ। क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को इक्वल टू से पहले कॉपी करूंगा। अब देखिए आवर माइनस आवर, ठीक है जी, इस फॉर्मेट में। तो अगर डायरेक्ट इफ में डालता हूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू के रिजल्ट में डिस्टर्ब कर सकता है, तो इससे पहले इसको मैं दे दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है जी, पर यहां जो D48 हुआ है माइनस है, अगले का फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड मास की इक्वेशन के अनुसार नहीं फर्क पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली भी दे सकता। ठीक है जी, यहां मेरा काम हो गया। अब क्या है कि जब मैं इस पे F2 कर रहा हूं तो इससे कोई लिंक नहीं है, मेन डेट से लिंक है, यहां फॉर्मूला फ्री हो गया अपने आप में। अब इसके बाद ये 50 से मल्टीप्लाई है E48, तो E48 में जितना बड़ा फॉर्मूला है वो सारा ले लिया इक्वल टू से पहले, और यहां E48 में पेस्ट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने ड्रैग कर दिया, तो एक ही फॉर्मूला बन गया मेरा ओवर टाइम निकाल देता। इसको मैंने कट किया यहां से और पेस्ट कर दिया। कट मैंने बताया ही था, कट करके करेंगे तो आपके लिंक जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो अभी पेस्ट में लिंक डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब इन आउट के जो रेफरेंसेस दिखा रहा है ये बदल सकते हैं अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ। कट करके पेस्ट करेंगे किसी भी फॉर्मूले को तो लिंक वही रहेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं अपने टाइम। ठीक है जी, और किसी को डेट टाइम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सर अगर कोई दो डेट्स हैं या दो हैं हमारे पास डेट्स, हमने टोटल उसमें से मंथ निकालने हैं, और मंथ ऐसे निकालने हैं अगर वो मंथ पॉइंट में भी आ रहे हैं तो हमें वो नजर आ रहा है पॉइंट में भी नजर आए। मंथ कैसे आ जाए, मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 1/6/2014 से 30/6/2015 के दरमियान मैंने मंथ निकालने हैं। 1/6/2014 से 30/6/2015 के बीच के मंथ। देखिए इसमें तो मल्टीपल फॉर्मूले लगा सकते हैं, जैसे ये है साथ में, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं टेक्स्ट का फॉर्मूला, ठीक है जी, वैल्यू देके इसमें फॉर्मेट दे देंगे MMM, कस्टम फॉर्मेट्स में मैंने बताया, तो आपके डायरेक्टली मंथ निकल जा रहे हैं। ठीक है जी, और ईयर वाइज उसमें कंडीशन लगा सकते हैं आप। नहीं सर, मैं आप मेरी बात नहीं समझ, मतलब एक ही डेट है, दो डेटें दी हुई है अभी इस तरीके से लेकर ऊपर लिखी हुई है 1/6/2014, नीचे वाले सेल पे लिखी हुई है मतलब 30/6/2015। अभी इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट होने होते हैं 6 साल 7 साल के, हम लोग उनका एक दफा टोटल ले लेते हैं। हाँ जी, कितने मंथ कंप्लीट हो गए वो ना। जी जी बिल्कुल, हाँ तो वो डेटेड इफ का बताया ना मैंने, मगर डेटेड इफ के अंदर सर आज मैंने लगाया के देखा था, डेटेड इफ के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हमारा मतलब एक महीने से कम डेज है, जैसे 29 डेज है या 19 दिन है, तो वो पॉइंट में नहीं लेके आता तो उसको जीरो कर देता है। तो उस डेट को आप पूरा करना चाह रहे हैं कि अगर उससे ज्यादा हो तो पूरा कर दें। मैं हम लोग चाह रहे हैं कि अगर वो 19 दिन भी आते हैं तो उसको पॉइंट में शो कर दे, ताकि हमारे पास पॉइंट आ जाए कि हमारा प्रोजेक्ट नो अभी 3 साल मुकम्मल हो गए, अभी 9 दिन बाकी हैं, तो 9 दिनों की कॉस्ट हम या उसकी इंस्टॉलमेंट हम उनसे ले सकते हैं इस तरह करके। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोजेक्ट हम एक प्लस में चले, अगर महीना पूरा हो जा रहा है तो वो एक प्लस में चले जी, मतलब एक दिन भी फालतू आ रहा है तो अगले महीने का वो दिखा दे कितने महीने हो गए। अगर मतलब 19 दिन भी आ रहे हैं तो कम से कम 19 दिन पॉइंट में शो कर दे, ताकि हम लोग उसकी जो इंस्टॉलमेंट है हम कस्टमर से ले सकें। देखिए 19 दिन में फिर दिन तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि कितने दिन हुए एक्स्ट्रा, दो फॉर्मूले है ना आपके पास, एक तो हो गया YM, एक हो गया MD, ये दोनों फॉर्मूले आपके डेट भी निकाल रहे हैं ना कि कितने डेट एक्स्ट्रा हो गए।
ठीक है जी। है। तो यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं आप कि जैसे आप मतलब आप चाहते हैं कि एक दो दिन हो या हफ्ता हो तो छोड़ दे, मतलब हफ्ते से ज्यादा हो तो काउंट कर ले, ठीक है जी। तो इसकी कंडीशन बना सकते हैं, कोई नहीं, आप उसके लिए मेरे से इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, उसमें मैं बनवा दूंगा, ठीक है जी, वो शीट दिखा के। चलो ठीक है, क्योंकि मेरे पास सर काफी 3-4 दिनों से काफी चीजें कोई इकट्ठी दिक्कत हो गई नहीं हैं सर, अभी आपके। आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कभी भी दिन में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यही इस पे गो टू मीटिंग पे लेके आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। चलें ठीक है सर, चलें ठीक है। ठीक है सर, तो आज की क्लास हो गई पूरी, बाकी कल मिलते हैं, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है सर। ओके।